दो बातें कलाम साहब की जो स्वाभाविक नजर आती है, इतनी सहजता, इतनी सरलता। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो अपॉर्चुनिटी खोजते हैं, एक वो होते हैं जो चैलेंज खोजते हैं। कलाम साहब चैलेंजेस की तलाश में रहते थे, कौन से नई चैलेंज है, उस चैलेंज को कैसे उठा लें, और यही उनके हर पल जीवन में है। और ऐसा बहुत कम होता है कि एक व्यक्ति पहले राष्ट्र रत्न बने और बाद में राष्ट्रपति पद को स्वीकार करे, और वह उनके जीवन की ऊंचाइयों से जुड़ा हुआ है। और कलाम साहब का जीवन हमेशा हमेशा हम सब के लिए मार्गदर्शक बनता रहे। तो किसी ने उनको पूछा था कि आपको कैसे याद रखा जाए, और उन्होंने जवाब में कहा था कि मुझे एक शिक्षक के रूप में याद रखा जाए। ये शिक्षक का तो सम्मान है, लेकिन साथ साथ उनके जीवन का कन्विक्शन क्या था, कमिटमेंट क्या था, उसका भी परिचय। और ये उनके सिर्फ शब्द नहीं थे, उनके पूरे जीवन में नजर। अब्दुल कलाम जी के आशीर्वाद से उन्होंने हम देशवासियों को जो शिक्षा दीक्षा दी है, उससे हम अवश्य उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे, और वही उनको सबसे बड़ी अंजलि होगी।